सीसीबी ने ये पूरे इन्वेस्टिगेशन का मामला सामने रखते हुए प्रेस को एक रिपोर्ट दिया था, उसमें किंग पिन संपत राज को बताया था। आज एनआईए के चार्जशीट में संपत राज का दूर दूर तक नाम नहीं है। कौन था संपत राज जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के घर को आग लगाने के लिए साजिश रचाया हुआ एक शख्स था, उसको आप चार्जशीट से बाहर रखते हैं तो क्या मैसेज जा रहा है? तो वहाँ पर क्लियर जाहिर होता है इसमें हमें फंसाने की कोशिश करी जा रही है। और सबसे पहले ये पूरे मामले का स्टार्ट करने वाला नवीन था, नवीन के ऊपर कोई यूपीए नहीं लगता। अभी कर्नाटक में ये पैंडेमिक के दौरान तकरीबन 6 महीने में 124 ऑनलाइन केसेस को एसटीपी दर्ज की है। ऐसे ही कौम के ऊपर तबलीगी कोरोना इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर टारगेट कर पोस्ट किए थे, एक भी यूपीए उसके ऊपर नहीं लगा। तो यूएपीए सिर्फ एक खास कम्युनिटी के लिए रिजर्व है क्या? एक खास पार्टी के लिए रिजर्व हुआ बना हुआ कानून है क्या? तो ये ना इंसाफी है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसके खिलाफ पूरे लोग एकजुट होकर आवाज उठाना पड़ेगा। आज एसडीपीए का मामला है, कल तुम्हारे घर में भी आएगा। दूसरी चीज, एसडीपीए के कार्यकर्ता बोल के जिसे पैरोस को आप A1 बोल के प्रेम कर रहे हैं, वो एसडीपीए से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कुछ भी हो, वो एसडीपीए के हो या कांग्रेस के हो, जेडीएस के हो, जितने भी मासूमों को इसमें फिक्स किया गया है उन सारों की रिहाई के लिए एसडीपीए काम करेगी। अब जाहिर सी बात है के जी हल्ली और डीजे हल्ली में बेंगलुरु में जो हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो नाम लिया गया है चार्जशीट में, यानी इसको जो साजिश बनाए जाने का जो प्रोपेगेंडा किया गया है वो जो है एसडीपीआई पर लगाया गया है। और एसडीपीआई इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करके साफ तौर पर कह रही है कि ये सब का सब एक जगह जहां पर इसकी तहकीक कोई और तंजीम कर रही थी, अचानक मरकज से एनआईए आती है और पूरे प्री प्लान के साथ आती है और एसडीपीआई को उसमें खींच लेती है, उसके कारकुनान पर मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगा करके चार्जशीट में उसमें नाम दर्ज किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को दलाइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए एसडीपीआई के बहुत सारे जिम्मेदारान ने इन इल्ज़ाम को मुस्तरद करने की कोशिश की है और हकीकत को बयान करने की कोशिश की है नामा निगारों के सामने। आइए देखते हैं कि एसडीपीआई के लीडरान क्या कहना चाहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एसडीपीआई के 10 या 12 कार्यकर्ता हैं और दूसरे एनआईए के रिपोर्ट में यह है 40 या 50 एसडीपीए के बता रहे हैं, वो फिरोज पाशा के जैसे हो सकते हैं। अभी चक्कर ना है उसको, पूरा चार्जशीट थरोली स्टडी करने के बाद वो वजाहत हो जाएगा। कुछ भी हो, वो एसडीपीए के हो या कांग्रेस के हो, जेडीएस के हो, जितने भी मासूमों को इसमें फिक्स किया गया है उन सारों की रिहाई के लिए एसडीपीए काम करेगी। एक इंसिडेंट हुआ था, वो साफ तरीके से आप चार्जशीट को देखे पढ़ेंगे उठाएंगे तो जाहिर हो जाएगा। जब सीसीबी ने ये पूरे इन्वेस्टिगेशन का मामला सामने रखते हुए प्रेस को एक रिपोर्ट दिया था, उसमें किंग पिन संपत राज को बताया था। आज एनआईए के चार्जशीट में संपत राज का दूर दूर तक नाम नहीं है, तो ये क्लियर कॉन्स्पिरेसी हो गई ना। या कौन था संपत राज जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के घर को आग लगाने के लिए साजिश रचाया हुआ एक शख्स था, उसको आप चार्जशीट से बाहर रखते हैं तो क्या मैसेज जा रहा है इसमें? दूसरी चीज, एसडीपीआई के कार्यकर्ता बोल के जिसे पैरोस को आप A1 बोल के प्रेम कर रहे हैं, वो एसडीपीआई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो वहां पर क्लियर जाहिर होता है इसमें हमें फंसाने की कोशिश करी जा रही है। और सबसे पहले ये पूरे मामले का स्टार्ट करने वाला नवीन था, नवीन के ऊपर कोई यूपीए नहीं लगता। अभी कर्नाटक में ये पैंडेमिक के दौरान तकरीबन 6 महीने में 124 ऑनलाइन केसेस को एसडीपी दर्ज की है। ऐसे ही कौम के ऊपर तबलीगी कोरोना इस तरीके से मुसलमानों के ऊपर टारगेट कर पोस्ट किए थे, एक भी यूएपीए उसके ऊपर नहीं लगा। तो यूएपीए सिर्फ एक खास कम्युनिटी के लिए रिजर्व है क्या? एक खास पार्टी के लिए रिजर्व हुआ बना हुआ कानून है क्या? तो ये ना इंसाफी है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसके खिलाफ पूरे लोग एकजुट होकर आवाज उठाना पड़ेगा। आज एसडीपीए का मामला है, कल तुम्हारे घर में भी आएगा। अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, कोर्ट के दायरे में रहते हुए ये हमारे ऊपर जो फेक चार्जेस लगाए हैं इसको हम चैलेंज कर इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई लड़ाई लड़ना है। तो हमारे एडवोकेट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, चार्जशीट को स्टडी कर रहे हैं और ये चार्जेस के खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आखिर में जीत सच्चाई की होगी, हार ये फिस्ताई ताकतों की होगी। हमें एतमाद है, हमें इस ऐसे फेक चार्जेस लगाने के जरिए से हमारे रास्ते से हटाने की जो फिस्ताई ताकतों की साजिश है ये कामयाब होने वाले नहीं।